गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं पॉइंटर, और एक छठवीं यूनिट है आपकी पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है? किसी चीज़ को पॉइंट करना या लोकेट करना या किसी भी एड्रेस को क्या करना, होल्ड करना, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं। पॉइंटर खुद एक वेरिएबल्स होता है जो दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेस को कॉपी करता है। पॉइंटर एक विशेष प्रकार का वेरिएबल्स है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर अथवा पॉइंट करता है। पॉइंटर क्या होता है? एक विशेष तरह का वेरिएबल्स होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है या पॉइंट करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एड्रेस है, उसको हम सोचते हैं कि कॉपी कर लें, या उसके वेरिएबल्स को हम क्या करें, पॉइंट करें, या उसके एड्रेस को हम क्या करें, वहाँ से कॉपी कर लें, या उसके एड्रेस को हम अपने में होल्ड कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम पॉइंटर का यूज करते हैं। पॉइंटर एक विशेष प्रकार का वेरिएबल्स है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर अथवा पॉइंट करता है। पॉइंटर का प्रयोग मेमोरी को डायनामिक अलोकेट करने के लिए किया जाता है। जैसे डायनामिकल अलोकेट मेमोरी आपको बनाना है, मतलब जैसे आपको मेमोरी बना रहे हैं, उसके साइज को डिफाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे पॉइंटर यूज कर देंगे तो बार बार एड्रेस आपको लिखना नहीं पड़ेगा। उसके एड्रेस को क्या कॉपी करके या स्टोर करेगा या उस चीज़ को पॉइंट करेगा, इस वजह से हम पॉइंटर को यूज करते हैं। पॉइंटर एक विशेष प्रकार का वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर या पॉइंट करता है। अपने और दूसरे एड्रेस के वेरिएबल को क्या करता है, पॉइंट करता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे आपको अभी। पॉइंटर का प्रयोग मेमोरी को डायनामिकली अलोकेट करने के लिए किया जाता है। अगर मेमोरी आपका है तो डायनामिकली मेमोरी को अलोकेट करने के लिए इसका हम यूज़ करेंगे। दिखाते हैं कैसे करते हैं। नॉर्मल वेरिएबल किसी वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, अगर नॉर्मल वेरिएबल देखेंगे तो किसी वैल्यू को ही स्टोर करेगा, वो पॉइंट नहीं करता, किसी वेरिएबल को ही नॉर्मल वेरिएबल से डिफाइन करते हैं। जैसे x = 5, तो क्या किया, किसी भी वैल्यू को क्या किया, स्टोर कर लिया। ये खुद की x खुद क्या बन गया, 5 बन गया, लेकिन ये ऐसा नहीं करता, ये उसके एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करता है या पॉइंट करता है। दिखाते हैं अभी आपको। लेकिन पॉइंटर किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। पॉइंटर वेरिएबल को स्टार से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। पॉइंटर वेरिएबल को स्टार से डिनोट करते हैं, जो वेरिएबल के नाम के आगे लगा देते हैं। एक पॉइंट वाली चीज़ें हैं, कंपटीशन भी पूछता है कि पॉइंटर को किससे डिनोट करते हैं, स्टार से डिनोट करते हैं, जो वेरिएबल के नाम के आगे लगता है। ये भी देखिए, दो वर्ड जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पॉइंटर वेरिएबल को स्टार से डिनोट करता है, जो वेरिएबल के नाम के आगे लगता है। उदाहरण देखिए, स्टार प्रिंट पॉइंटर, स्टार पॉइंटर। उदाहरण में देखिए क्या है, स्टार और पॉइंटर। स्टार पॉइंटर हो गया, देखिए इसके आगे लगा कि नहीं लगा। इसमें स्टार यह बताता है कि पॉइंटर एक पॉइंटर वेरिएबल है। एंड जो होता है, एंड सिंबल को वेरिएबल के एड्रेस प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब एंड क्या करता है, किसी भी एड्रेस को कॉपी करता है या एड्रेस को लोकेट करता है या पॉइंट करता है। उदाहरण एंड प्रिंटर, देखिए एंड और पॉइंटर जो लगा, सॉरी एंड पॉइंटर जो लगा दिए, किसी भी एड्रेस को क्या करेगा, उसके एड्रेस को ये क्या करेगा, कॉपी करेगा या स्टोर करेगा या पॉइंट करेगा। तो फिर से हम एक बार बता दें, पॉइंटर जो होता है एक तरह का खुद का वेरिएबल होता है, एक विशेष तरह का वेरिएबल होता है। वो क्या करता है, अपने अंदर किसी वैल्यू को स्टोर नहीं करता। जैसे यक्स नॉर्मल वेरिएबल है, जैसे डिफाइन कर दिए यक्स वाई जेड, जो भी आप डिफाइन किया, अगर यक्स इक्वल टू 5 कर दिए तो खुद की जो भी वैल्यू दिए हैं उसको क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। लेकिन पॉइंटर एक विशेष तरह का क्या होता है, वेरिएबल्स होता है, जो किसी भी एड्रेस को क्या करता है, पॉइंट करता है, लोकेट करता है। ये क्यों यूज होता है, डायनामिक मेमोरी को लोकेट करने के लिए ये यूज होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो उदाहरण देखते हैं हम, देखिए जैसे इंटीजर ABC हमने डिफाइन कर दिया, इंटीजर डाटा टाइप जो हमने क्या डिफाइन किया है, ABC इक्वल टू 95 सेमी कॉलम। तो हमने यहाँ पे डाटा जो है, डेटा को हम किस टाइप का किए हैं, इंटीजर टाइप के डेटा को हमने क्या किया है, यहाँ पे डिफाइन किया है ABC, जिसकी वैल्यू कितनी है, 95 सेमी कॉलम। ठीक, सेमी कॉलम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारी बातें समाप्त हो जाएं, एक ही लाइन में किसी चीज़ को प्रिंट ना करें, या स्लैश एंड भी लगाते हैं जो न्यू लाइन स्टेटमेंट को
अचीव करता है। तो देखिए यहाँ पे हमने एग्जांपल क्या लिया, उदाहरण क्या दिया है कि इंटीजर डेटा एबीसी 95 इक्वल टू कर दिया है ना, इंटीजर इंट मतलब इंटीजर, एबीसी मतलब वेरिएबल्स, इक्वल टू मतलब बराबर 95 सेमी कॉलम हमने दे दिया। अब हम जो एबीसी दिए हैं, अब देखिए ये नॉर्मल वेरिएबल्स है इंटीजर टाइप का, तो एबीसी जो स्टोर करेगा 95 वैल्यू को ही नॉर्मली क्या किया, स्टोर कर दिया। अब हम पॉइंटर लगाए को लगा के उसके एड्रेस को अदर जगह हम क्या कराएंगे, पॉइंट कराएंगे, लोकेट कराएंगे। तो देखिए हमने क्या कर दिया कि जो इंटीजर एबीसी है 95, अब इसमें देखिए इंटीजर में हमने स्टार प्रिंटर पॉइंटर सॉरी प्रिंटर कर रहे हैं सॉरी वेरी वेरी सॉरी तो देखिए इंटीजर स्टार यहाँ पे पॉइंटर लगा दिए हम, तो जो इंटीजर एबीसी है इसके पॉइंट को, इसके एड्रेस को क्या करेगा, ये लोकेट करेगा, इसके पॉइंट को लोकेट करेगा। चूंकि हमने सिर्फ पॉइंटर का यूज किया, चाहे बहुत बड़ा एड्रेस होता यार फिर भी हम इसको लगा देते तो उसके एड्रेस को क्या करता, पॉइंट करता। अब देखिए यहाँ पे पॉइंटर इजकल टू एड्रेस ऑफ, देखिए पॉइंटर इजकल टू एंड लगा दिए ना, तो एड्रेस ऑफ हो गया। एड्रेस किसके बताता है, किसका, एबीसी का। तो ऐसे ही हम प्रोग्राम में यूज करते हैं। उदाहरण देख लीजिए, तो हमने क्या किया, देखिए एक विशेष तरह का क्या है, वेरिएबल्स है, नॉर्मल वेरिएबल्स हमने तो डिफाइन कर दिया एबीसी 95, और यहाँ पे हमने इंटीजर में जो है जो टाइप का हम डाटा डिफाइन किए थे उसमें हमने भैया लगा दिया कि चलो यहाँ पे पॉइंटर लगा दिए, उसके एड्रेस को क्या करे, लोकेट करे या पॉइंट करे। तो पॉइंटर इक्वल टू भी डिफाइन कर दिया कि उसके एड्रेस को क्या करे, वहाँ पे लोकेट करे। तो देखिए तो पॉइंटर लगा दिए, तो एड्रेस यहाँ देखिए पॉइंटर एड्रेस इसका क्या है, 00 कैपिटल ए बी ए ए 66, और यहाँ पे देखिए एड्रेस हो गया एबीसी। यहाँ पे एड्रेस हमने क्या दिया था, एबीसी में वैल्यू कितनी दी थी 95, तो ये जो एड्रेस है यहाँ पे आके क्या हो गया, पॉइंट हो गया या कॉपी हो गया, जिसे ये डिनोट कर रहा है। देख लीजिए सेम तरह का 00 ए बी ए ए 66, आप ये चीज़ों को प्रोग्राम पे जब करेंगे तो ऑलरेडी वो कॉपी करेगा, वहाँ पे उसके पॉइंट को लोकेट करेगा। तो इसी वजह से हम इसको यूज करते हैं। दिए गए उदाहरण में पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल है जो एबीसी वेरिएबल के एड्रेस को डिनोट कर रहा है। देखिए एबीसी एड्रेस को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हमारा पॉइंटर है, पॉइंटर भी इम्पोर्टेंट है, पॉइंटर भी पूछता है 5 नंबर में कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर डिक्लेरेशन का सिंटैक्स देख लीजिए, सिंटैक्स आपको देना जरूरी है। तो डाटा टाइप किस टाइप का है, चाहे करेक्टर ही हो गया तो वहाँ पे स्टार लगाएंगे। तो डाटा टाइप देखिए वहाँ पे इंटीजर हमने डिफाइन किया, देखिए इंट, इंट मतलब क्या, इंटीजर, एबीसी मतलब ये डाट बता रहा है कि एबीसी क्या है, इंटीजर टाइप का है, जैसे 95 हो गया। तो ऐसे सिंटैक्स लिख देंगे, जैसे लिखा है वैसे ही लिखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर कोई सी पॉइंट गलत कर देंगे तो सब गलत हो जाएगा। तो डाटा टाइप पॉइंटर, सेमी कॉलम लगाना मत भूलिएगा। उदाहरण देखिए इंट, देखिए इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल हो गया ये पीटी, कैरेक्टर अभी कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल हो गया, ई फ्लोट पॉइंटर वेरिएबल हो गया, पॉइंटर ऑपरेटर 5 नंबर में देता है हमें, सब ध्यान रखिएगा पॉइंटर क्या होता है, उसका पॉइंटर ऑपरेटर भी पूछ लेगा तो बता दीजिएगा। पॉइंटर में दो प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, पहला क्या होता है स्टार मतलब इनडायरेक्शन ऑपरेटर, और एंड होता है, देखिए दो ही चीज़ होता है इसमें। पॉइंटर में दो प्रकार के ऑपरेटर्स का प्रयोग किया जाता है, पहला स्टार, ये क्या करता है इनडायरेक्शन ऑपरेटर्स होता है, और एड्रेस और एंड क्या होता है एड्रेस ऑपरेटर्स होता है, एड्रेस को कॉपी करता है वो पॉइंट करता है। देखिए यहाँ पे ऑपरेटर्स नाम हो गया, और क्या हो गया उसके फंक्शन हो गए कैसे यूज होता है। देखिए स्टार क्या होता है इनडायरेक्शन ऑपरेटर्स हो गया, नाम इसका क्या है इनडायरेक्शन ऑपरेटर्स। ये देखिए कंपटीशन लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टार देके पूछ देता है कि पॉइंटर में क्या काम करता है, और पूछ देगा कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर्स किसका नाम है, एड्रेस ऑपरेटर्स किसका नाम है एंड का। तो ये देखिए जो स्टार है वो क्या करता है, यह किसी पर्टिकुलर एड्रेस पर वैल्यू को स्टोर करता है, काम इसका यह है। और एंड क्या हो गया, ये किसी भी वेरिएबल पर एड्रेस बताता है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगाना ना भूलें, ए वेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि ऐसा करते रहें।
मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें, व्यर्थ का बाहर घूमने ना जाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।